लॉकडाउन में मजदूरों और गरीबों की मदद के लिए कई भामाशाह लगातार आगे आ रहे हैं। इसी के तहत राजधानी में भी कई भामाशाह लगातार गरीबों की मदद में जुटे हुए हैं। वहीं भामाशाहों के साथ साथ पुलिस विभाग भी इस सेवा कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में भामाशाह विमल सराफ गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने करीब 2000 मजदूरों और गरीब असहाय लोगों को खाना और कपड़े वितरित किए हैं। इस अवसर पर सिविल राइट्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एडीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा भी मौजूद रहे। नोएडा के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने अपने व्यस्त समय से निकाल के यहाँ आने का कष्ट किया ताकि हमें और प्रोत्साहन मिल सके। इनके डिपार्टमेंट के सानिध्य के अंदर पिछले 2 महीने से जो हम ये लोग सेवा का काम कर रहे हैं, आप मान के चले कि यदि इनके डिपार्टमेंट का साथ नहीं हो तो शायद ही मुमकिन ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कहाँ कहाँ लोग ज़्यादा तकलीफ में है वहाँ वहाँ सही जगह सामान पहुँचाना, दे हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल। मतलब जो छवि पुलिस की किसी ज़माने में हुआ करती थी, मेरे ख्याल से आज ये भगवान के आसपास पहुँच गए ये लोग। जिस तरीके की सेवा इन्होंने लोगों को दी है, हम तो व्यापारी आदमी देखिए अपना कर्तव्य मान के कि ठीक है, यदि कुछ भगवान ने हमें किसी लायक बनाया है तो कम से कम अपन इतनी सेवा तो लोगों की कर सकते हैं कि उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए। बाकी बिना डिपार्टमेंट के, बिना किसी सहयोग के कोई पॉसिबल नहीं था। विमल जी शराफ जैसे जो दानदाता हैं, इन ऐसे बहुत से दानदाता, और विशेषकर विमल जी का काम जयपुर में शुरू से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, इन्होंने पूरे जयपुर में जगह जगह इस तरह की व्यवस्था की है। और मुझे आज सौभाग्य मिला कि पुलिस विभाग की तरफ से मैं भी इसमें शरीक हुआ और मुझे भी इस पुण्य के काम में अपना थोड़ा योगदान देने का, सामान बांटने का मौका विमल जी ने दिया। तो मैं इनको और सुनीता जी को मैं बहुत